मेरा क्लास स्टार्ट हो गया है, हम दे देते हैं। सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है एवरीबॉडी? कॉपी नहीं हुआ है सीमा, अभी 7 मिनट बचा। YouTube लाइव सेशन ऑन मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टैटिस्टिक्स का सेकेंड क्लास है आज सीएमए वाले लोग के लिए, जहां मैं डिस्पर्जन स्क्यूनेस पढ़ाऊंगा और उसके बाद वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ दिस टू चैप्टर्स जो आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिखाई सुनाई दे रहा है प्लीज बताइए। इंद्र भैया, दिस इज एन अनलिस्टेड राइट? अनलिस्टेड राइट नाउ? यहां का खाली हो गया अंदर वाला, तो ये कौन किया, कब किया, रात को? तो आज कंप्लीट कर देंगे, इसको थोड़ा सीधा कर देंगे, आई थिंक इसको सीधा करना चाहिए क्योंकि गेट भी तो है, देखते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी सब कोई आइए। गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आइए सब कोई। काफी दिन बाद मिल रहे हैं बाबू लोग, लास्ट डे मैं सेशन लेने वाला था बट नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ बाहर काम चल रहा था नेट का, तो उन्होंने कहा 1-1.5 घंटा लगेगा, तो मैं इसीलिए बोला छोड़ो क्लास कैंसिल करो आज, फिर टाइमिंग चेंज करके लाभ नहीं है। तो आज मैं कंडक्ट कर रहा हूं आप लोगों का क्लास, आज के बाद और 2 सेशन लगेंगे। अकाउंट्स का सेशन आपका कंप्लीट हो गया है और आपका मॉक टेस्ट भी अविनाश सर ने अनाउंस कर दिया अकाउंट्स को लेके। मेरा जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है आई विल अनाउंस माय मॉक टेस्ट, मुझे ज्यादा सेशन लग गया एज कंपेयर टू लास्ट टाइम, बट इट्स ओके, इट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि आप लोग अच्छे से इन डेप्थ पढ़ ले। अभी चलिए सब कोई आ गए हैं, होपफुली ऑल सीएमएज आर इन ऑलरेडी, रेस्ट कहां है पता नहीं। सीएमए स्टूडेंट्स आर देयर ओनली, सीए हैं तो बहुत बढ़िया, सीए वाले भी कर सकते हैं बट आई नो फर्क ही नहीं पड़ता उन लोग को कोई फ्री सर्विस का। चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन से। वेरी गुड मॉर्निंग क्रिंजल, गुड मॉर्निंग निर्जा, गुड मॉर्निंग यूसुफ, गुड मॉर्निंग लिपि, गुड मॉर्निंग दीनू। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड सेंट्रल टेंडेंसी का रिवीजन और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का रिवीजन इन स्टैट्स पोर्शन, जिधर मैंने आपको मार्क्स का सिग्रीगेशन बताया था कि कौन सा कितने मार्क्स का है।
एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद डिस्पर्जन चैप्टर जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. आइए इस चैप्टर को आराम से समझते हैं. सबसे पहले डिस्पर्जन के कई नाम होते हैं, जैसे कि डेविएशन, जैसे कि स्प्रेड, जो कि मेजर करता है डेटा कितना स्कैटर्ड है, यानी कि स्कैटर्डनेस ऑफ डेटा, कि डेटा कितना फैला हुआ है, स्प्रेड है. मतलब भैया जैसे कि वी कैलकुलेटेड इन सेंट्रल टेंडेंसी अ लोकेशन और एवरेज वैल्यू, मतलब मिडल वैल्यू और एनी वैल्यू जिससे उस डेटा को एक सिंगल ऑब्जर्वेशन से वी कुड हैव डिस्क्राइब्ड. बट क्या वो ऑब्जर्वेशन ये सिंगल डेटा के आसपास ही घूमेगा या कितना डेविएट करेगा, कितना इधर उधर जाएगा, वो भी कैलकुलेट करना जरूरी है ताकि उस पूरे डेटा के बारे में वी कुड हैव ड्रॉन सम कैलकुलेशन और सम कंक्लूजन. तो उस डेटा के बारे में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमें उनका डिस्पर्जन निकालना भी जरूरी है, तभी हम बोल सकते हैं कि डेटा अच्छा है खराब है, बेस्ड ऑन बोथ दी मेजर्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज वेल एज डिस्पर्जन. तो आप बताइए अगर कोई डेटा सपोज यहां है, ये है आया उसका सीटी, और एक डेटा ये है जिसका आया सीटी, दो डेटा है जिसका सीटी ये, एक डेटा इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी दिस इज द स्प्रेड वैल्यू. जैसे अपने एग्जाम हॉल में जब क्लास से निकलते हैं तो घर आके बोलते हैं मम्मी को, मम्मी मोटा मोटी 90 आएगा, प्लस माइनस 2 पकड़ लीजिए, मतलब दो नंबर ऊपर नीचे. तो वो जो दो नंबर ऊपर नीचे है ना, वही आपका स्प्रेड है, और जो 90 आप बोले ना मोटा मोटी, वो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन है. और सपोज दूसरा डेटा का एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 90 था बट उसका स्प्रेड प्लस माइनस 4 था, तो कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है, वी नीड टू नो दैट कि कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा ज्यादा डेटा प्रॉपरली मेंटेन्ड है या प्रॉपरली नोन है या प्रॉपरली ऑकर करता है, विच डेटा इज ऑकरिंग मोर कंसिस्टेंटली, जिनका स्प्रेड कम है या जिनका स्प्रेड ज्यादा है. भैया जिनका स्प्रेड कम है ना वो ज्यादा कंसिस्टेंट डेटा होते हैं, जिनका स्प्रेड ज्यादा होता है, गुड मॉर्निंग श्वेता, जिनका स्प्रेड ज्यादा होता है उनका उनका प्रॉपर कंसिस्टेंट डेटा नहीं है. ओके भैया, यहां तो मैंने मीन को 90-90 ले लिया तो आप स्प्रेड से जज कर लिए, बट अगर मीन एक का 80 एक का 90, स्प्रेड एक का प्लस माइनस 2 और दूसरा का भी स्प्रेड है सपोज प्लस माइनस 3, तो आप देखिए मीन बढ़ गया इसीलिए थोड़ा स्प्रेड भी बढ़ गया. तो भैया हम कैसे जज करेंगे, इन सब चीज के लिए वी कैलकुलेट रिलेटिव मेजर. क्या कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव मेजर. तो भैया जो ऊपर आपने बताया ये कौन सा मेजर था, इसको एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं. मतलब हो सकता है एक वैल्यू से निकाल ले, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी मार्क्स था तो डिस्पर्जन भी मार्क्स था प्लस माइनस 2, तो अगर सेंट्रल टेंडेंसी केजी होगा तो डिस्पर्जन भी केजी होगा. बट रिलेटिव मेजर क्या नोटिस करवाता है भैया, कि इतना पे इतना हुआ, इतना पे इतना हुआ, यानी रिलेटिवली क्या हुआ. तो रिलेटिव मेजर कंसिडर्स बोथ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन एज वेल. ठीक है, जिधर वी कैलकुलेट इट इन परसेंटेज फॉर्म, देयरफॉर इट इज अ यूनिट फ्री मेजर. तो टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट मेजर से ज्यादा अच्छा रिलेटिव मेजर होता है. तो रिलेटिव मेजर इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज इन परसेंटेज, दैट इज यूनिट फ्री मेजर. और एब्सोल्यूट मेजर इज हैज सम यूनिट सेम एज द सेंट्रल टेंडेंसी. क्या कम है, ओके जिनका कम है, अच्छा ठीक है, स्प्रेड जिनका कम है, श्वेता बोलना चाह रहे हैं, ओके
तो डन है आपको मेरा बात, एक इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको सेंट्रल टेंडेंसी का, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा जान के, और अब आप लोग इस चैप्टर को बहुत बखूबी से समझ सकते हो। वेरी गुड। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया क्या मतलब है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, डिस्पर्जन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात था एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर, जो बता दिया आपको। अब आते हैं डिस्पर्जन मेथड का कैलकुलेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एलजेब्रिक मेथड आता है, जिधर अपने को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डिस्पर्जन। मैं एकदम सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है मेथड्स ऑफ लिमिट्स कैलकुलेट करना, जैसे कि रेंज, लिमिटिंग वैल्यूज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, आपने सुना होगा इंटरक्वार्टाइल रेंज भी। और एक होता है परसेंटाइल रेंज, इट इज सेम एज इंटरक्वार्टाइल रेंज, या क्वार्टाइल का रेंज निकलता है या परसेंटाइल का रेंज निकलता है। ठीक है, दीज आर दी मेथड्स ऑफ लिमिट्स। कई मेथड्स होते हैं आपका मेथड्स ऑफ मोमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट भैया? मोमेंट कुछ नहीं होता, मोमेंट है भाई, मोमेंट है। मोमेंट का मतलब होता है कि अपने कोई भी ऑब्जर्वेशन का समेशन निकाल रहे हैं kth पावर का, जैसे कि समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ x क्यूब, समेशन ऑफ x टू द पावर 4। ये हो गए मोमेंट्स, इनको रॉ मोमेंट्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? रॉ मोमेंट। और वहीं अगर मैं इसका सेंट्रल मोमेंट बोलूं, सेंट्रल मोमेंट का मतलब हो गया मोमेंट ही निकाल रहे हैं, यानी समेशन ऑफ समथिंग टू द पावर के ऑब्जर्वेशन का ही, बट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट मतलब माइनस एक्स बार। सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? मीन। तो मीन से इनका डेविएशन टू द पावर के, यानी समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल क्यूब, इनको सेंट्रल मोमेंट्स बुलाते हैं और ऊपर वाले को रॉ मोमेंट्स बुलाते हैं। सीए के सिलेबस में मोमेंट्स नहीं है, ना ही सीएमए के सिलेबस में मोमेंट्स एज अ चैप्टर है, बट इनको जानना अच्छा रहेगा अगर आपको आगे समझना है चीज को। तो दूसरा बात, सीए के सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में ये टॉपिक एक दो बार आए हुए हैं मोमेंट्स निकालना, तो कई लोग हमको स्कैनर में देख के पूछे भी कि भैया ये करे कि नहीं। अब करना जरूरी नहीं है क्योंकि हट गया है, बट सीएमए के सिलेबस में इनका एप्लीकेशन आता है, जो मैं आगे स्क्यूनेस चैप्टर में कराऊंगा। तो इनको मोमेंट्स बुलाते हैं, रॉ मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, इसको रॉ मोमेंट बोलते हैं, इनको सेंट्रल मोमेंट बोलते हैं। ओके भैया, तो मेथड ऑफ मोमेंट जैसे कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन और मीन डेविएशन, सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन जिसको सेंट्रल स्टैंडर्ड डेविएशन बुलाते हैं। ठीक है, दूसरा ग्राफिकल मेथड से वी कैन कैलकुलेट क्या? डिस्पर्जन, जिसको लोजिन कर्व से कैलकुलेट किया जाता है। आपको ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी में ये आ सकता है। टिक करेंगे इसको कि डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए लोजिन कर्व बनाया जाता है। लॉरेंस कर्व। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके रेंज समझना। रेंज के लिए बहुत इजी बात है, रेंज के लिए एक ही बात है, आपको लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढना है और स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढना है कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में, और दोनों को माइनस कर देना है तो आंसर आ जाएगा। एक बात बताइए, लार्जर वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, स्मॉलर वैल्यू हमेशा छोटा होगा, तो रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा, या अगर डेटा आर सेम तो जीरो आएगा, यानी रेंज कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू कर रहे हैं। तो या तो इक्वल टू जीरो होगा, कब? व्हेन ऑल दी ऑब्जर्वेशन आर सेम, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर सेम। और ग्रेटर देन जीरो होगा जब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट। वैसे ही एवरी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, क्या बोला? वैसे ही एवरी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो भी अपने सीखेंगे अपने सिलेबस में, बी इट रेंज, बी इट मीन डेविएशन, बी इट क्वार्टाइल डेविएशन, बी इट स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी सीखेंगे, इन सब का आंसर हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो होगा। भैया पॉजिटिव होगा मतलब दे कैन नॉट बी नेगेटिव। जीरो कब होगा भैया? व्हेन ऑल दी ऑब्जर्वेशन आर सेम। ठीक है, ठीक है, ये बात भी आप नोट डाउन कर सकते थे। नेक्स्ट, रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्मॉलेस्ट माइनस लार्जेस्ट, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो इट हैज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला,
लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट इंटू 100%। तो अगर आप ये पार्ट बोल रहे हैं तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ रेशियो, और अगर आप इंटू 100 कर दे रहे हैं तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ परसेंटेज। ठीक है, बोथ वे दे आर यूनिट फ्री। तो देखिए, रेशियो और रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ स्कैटर्डनेस भी बुलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। यदि फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी तो भैया फ्रीक्वेंसी आने से रेंज को फर्क नहीं पड़ता है, रेंज अभी भी वही लार्जर और स्मॉलर वैल्यू देखता है, तो इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। भैया अगर डेटा कंटिन्यूअस है तो कैसे निकालेंगे? आप लोअर, सबसे लोअर जो लिमिट है उसका लोअर लिमिट देखेंगे, सबसे पहला वाला का लोअर लिमिट और सबसे लास्ट वाले का हायर लिमिट, उन दोनों को माइनस कर देंगे। बट अगर डेटा डिसकंटिन्यूअस है ना, तो ध्यान से, ज्यादा डिसकंटिन्यूअस मतलब जब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो पहले आप कंटिन्यूअस बनाएंगे फिर रेंज निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 19 और 1 से 9, 20 से 29, 30 से 39, कैलकुलेट रेंज। अब भैया फ्रीक्वेंसी आपने दिया नहीं, मैंने क्या बोला फ्रीक्वेंसी से मतलब भी नहीं है तो मैं क्यों दूं, बस रेंज निकालना है। तो आप 39 माइनस 1 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आपको पहले डेटा को कंटिन्यूअस बनाना होगा, तो ये 9.5 होगा, ये भी 9.5 होगा, ऐसे सारे चेंज होंगे। अपने को मेन पहला और आखिरी चेंज करना याद रखना है। क्या चेंज करना है भैया? ये हो गया 0.5 हो गया, और ये हो गया 39.5। अब आप अगर रेंज निकालेंगे ना, तो आंसर 39 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? आंसर 39 आएगा कि नहीं? बट अगर आप पहले निकाल देते तो आंसर 38 हो जाता, तो वो गलती हो जाता, आंसर इज 39। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटर क्वार्टाइल मतलब क्वार्टाइल के बीच का रेंज। क्वार्टाइल तीन होते हैं, Q1, Q2, Q3। तो Q3 इज द बिगेस्ट वन एंड Q1 इज द लोएस्ट वन, तो रेंज हो गया Q3 माइनस Q1। दिस इज इंटरक्वार्टाइल रेंज। और अगर वर्ड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाता है, तो सेमी मतलब आधा करना, तो डिवाइडेड बाई टू, इसी को क्वार्टाइल डेविएशन भी बुलाते हैं। ध्यान रखना, इंटरक्वार्टाइल रेंज को क्वार्टाइल डेविएशन नहीं बुलाते, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज को क्वार्टाइल डेविएशन बुलाते। तो क्वार्टाइल डेविएशन अगर वर्ड आए तो मतलब सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, और सिर्फ इंटरक्वार्टाइल रेंज मांगे तो डिवाइडेड बाई टू मत कीजिएगा। ओके भैया, और Q1 और Q3 आपको निकालना आता है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज, अगेन सेम रेंज जैसे, जैसे Q3 माइनस Q1, जैसे L माइनस S किए थे, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Q3 प्लस Q1, जैसे L प्लस S, तो दिस इज आल्सो सेम। वैसे ही परसेंटाइल एंड डेसाइल रेंज भी निकल सकता है, इट इज वेरी इजी। जैसे क्वार्टाइल में सबसे लास्ट वैल्यू Q3 और फर्स्ट वैल्यू Q1 होगा, तो परसेंटाइल और डेसाइल में क्या होगा, परसेंटाइल में आप जानते हैं लास्ट वैल्यू क्या होगा, P99 होना चाहिए था, इन्होंने 90 लिखा, रॉन्ग लिखा, बट हाँ इन्होंने 10 से ही माइनस किया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे अगर परसेंटाइल रेंज पूछे तो परसेंटाइल रेंज इन P99 माइनस P1 है कि नहीं, इन्होंने P10 और P90 लिया है, कोई बात नहीं, बट आप ये फॉर्मूला नहीं भी करे चलेगा। बट डेसाइल में इन्होंने सही लिया है, D9 माइनस D1, ये सब काम का नहीं है, आपको QD तक याद रखना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, परसेंटाइल का काम का नहीं है। मीन डेविएशन वेरी इंपॉर्टेंट, मेथड्स ऑफ मोमेंट्स का सबसे पहला मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, MD बुलाते हैं। MD MD का मतलब क्या होता है भैया? समेशन कर रहे हैं किसका, एब्सोल्यूट डेविएशन का, क्योंकि अपने को पॉजिटिव ही आंसर चाहिए, तो वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट डेविएशन। किसका एब्सोल्यूट डेविएशन भैया? ऑब्जर्वेशन का। कहां से भैया? कोई भी सेंट्रल वैल्यू से डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया अपना मीन डेविएशन, और मीन मतलब समेशन समथिंग बाय एन, तो डेविएशन मीन। किसका डेविएशन? ऑब्जर्वेशन का। कहां से? सेंट्रल टेंडेंसी से, और उसका पॉजिटिव वैल्यू, इसीलिए एब्सोल्यूट। ठीक है, अब ये सेंट्रल टेंडेंसी कुछ भी हो सकता है, मीन, मीडियन, मोड, जो सम्स बोल दे। तो दे विल से अस टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मोड,
अबाउट मीन अबाउट मीडियन। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो जहां से मीन डेविएशन निकला अबाउट मीन निकला तो दिस डिवाइडेड बाय मीन हो जाएगा, अगर मोड निकला तो दिस डिवाइडेड बाय मोड हो जाएगा, और अगर मीडियन निकला तो दिस डिवाइडेड बाय मीडियन हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर फ्रीक्वेंसीज है तो फ्रीक्वेंसीज ऊपर इंटू नीचे इंटू, जो आएगा नहीं अब आपके एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, हो गया, मैंने सारा बात कर दिया मेन, और कुछ आपको जानना नहीं है। ठीक है, मीन डेविएशन का एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि मीन डेविएशन अबाउट अबाउट मीडियन सबसे स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होता है भैया। जैसे आपने बोला था ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होता है, याद है आपको, मैंने मीन जब पढ़ाया था तब बोला था कि जब मीन का डेविएशन निकालते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जब मीन का ये निकालते हैं तो जीरो होता है, वैसे मीडियन से जब ये निकालते हैं ना एक्स माइनस मीडियन करते हैं ना और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है अदर कोई भी वैल्यू से। तो मीन डेविएशन भी सबसे कम कब होता है बताइए, मीन डेविएशन सबसे कम कब होता है बताइए, व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया वर्ड सेंट्रल टेंडेंस, जिस पर सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बहुत इजी वर्ड है, क्या रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, बस इतना सा डेफिनेशन है। रूट करना किसका, कुछ मीन का, मीन मतलब समेशन ऑफ समथिंग भैया, किसका मीन, स्क्वायर डेविएशंस का मीन, स्क्वायर डेविएशंस मतलब भैया कुछ डेविएशंस का स्क्वायर फ्रॉम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, तो एक्स बार देखो एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया मेन, और इसको अपने दूसरा फॉर्मूला से भी जानते हैं, एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये यहीं से आया है, मैंने क्लास में डिराइव भी करवाया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं तो फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं एन की जगह, और ऊपर भी फ्रीक्वेंसीज आ जाती है, और एक्स बार भी वैसे ही निकलता है, वेरी इजी। अज्यूम मीन सीखने का दरकार नहीं है, आपके काम का नहीं है। और अगर कोएफिशिएंट निकालना है तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से निकल रहा है, एक्स बार से, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो दैट विल बी एच डी बाई मीन इनटू 100। कई बार एच डी की जगह वी यूज ऑल्सो अ टर्म कॉल्ड वेरियंस विच इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ एच डी, विच इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ एच डी। तो अगर एच डी केजीज में है तो वेरियंस केजी स्क्वायर में होंगे, यूनिट केजी स्क्वायर, स्क्वायर केजीज। ठीक है, ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, केजी का यूनिट फ्री मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट फ्री मेजर नहीं होता, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूनिट फ्री मेजर होता है। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा सारा ऑब्जर्वेशन सेम होगा तो एचडी भी जीरो आएगा। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अपने सेंट्रल टेंडेंसी में देखे थे कि सेंट्रल टेंडेंसी चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों के वजह से अफेक्ट होता है, यानी प्लस माइनस इनटू डिवाइड दोनों, बट डिस्पर्जन का जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, यानी जितना आपने पढ़े रेंज मीन डेविएशन इंटरक्वार्टाइल रेंज और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये प्लस माइनस से अफेक्ट नहीं होते, सिर्फ इनटू डिवाइड से अफेक्ट होते हैं, यानी दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन चेंज ऑफ ओरिजिन, दे आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन चेंज ऑफ स्केल, ये लोग चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट होते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होते। तो अगर कोई इक्वेजन है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, अगर कोई इक्वेजन है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो अपने देखे थे सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ y वॉज ए प्लस बी इंटू सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ x, बट डिस्पर्जन कौन सा, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन का रिलेशन है, हाँ रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन ऑफ y इज इक्वल्स टू ओनली b इंटू एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ x, और कुछ नहीं, a से लेना देना नहीं है। अच्छा, b अगर नेगेटिव हो जाएगा तो आंसर नेगेटिव आने लगेगा, इसीलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मोड में लिखा गया। ठीक है,
तो इफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो सेंट्रल टेंडेंसी का ये रिलेशन, डिस्पर्जन का ये रिलेशन। तो एच डी ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड बी एच डी ऑफ एक्स। बट अगर वेरियंस के साथ यही रिलेशन देखो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करना, तो वेरियंस के साथ ऑब्वियसली इसका स्क्वायर होता है तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो बी स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स हो जाएगा। हाँ, यानी वेरियंस का जब रिलेशन ढूंढो तो बी स्क्वायर कर देना, एच डी का जब करो तो मॉड बी करना। मीन डेविएशन, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में मॉड बी ही यूज होगा। ठीक है भैया, कंबाइन एच डी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने बात बोला, इज डी नॉट डिपेंडेंट, नॉट इनडिपेंडेंट। हाँ, इज मिनिमम ऑब्वियसली, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे मिनिमम होता है, क्योंकि याद है अपने को ये सबसे मिनिमम होता है, मीन का डेविएशन, सॉरी ऑब्जर्वेशन का डेविएशन मीन से स्क्वायर। अच्छा, ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एन नंबर का एक्सक्यूज मी, अगर मैं 1 से लेके n तक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ सारे नेचुरल नंबर्स का, तो उसका एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है, रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12। ये मैंने क्लास में प्रूफ कराया था और ये बहुत काम का बात है। अगर दो ही नंबर है तो उनका भी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसानी से निकल सकता है। क्या भैया? b माइनस ए बाई टू, यानी हाफ ऑफ द रेंज, हाफ ऑफ द रेंज। अगर दो ही नंबर है तो आप निकाल सकते हैं हाफ ऑफ द रेंज, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी एल माइनस एस बाई टू। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दो ही नंबर है तो, और अगर नेचुरल नंबर है एन तक तो ऐसे। ठीक है, अपने वेरिएंस का स्क्वायर जानते हैं कैसे निकलता है, एच डी स्क्वायर। एच डी अगर ऐसे है तो इट इज रूट ऑफ वेरियंस। कंबाइन एच डी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू लर्न, बट अगर आपको सीखना है तो बहुत आसान है। क्या भैया? कंबाइन एच डी का मतलब भैया, अगर दो चीज का एच डी कंबाइन कर रहे हैं तो पहला वाला वेरिएंस पहला वाला, दूसरा वाला वेरिएंस दूसरा वाला, ऐसा एन नंबर तक जा सकता है। प्लस ध्यान रखना, पहला वाला डेविएशन का स्क्वायर, दूसरा वाला डेविएशंस का स्क्वायर बाई एन वन प्लस एन टू। भैया डेविएशंस का स्क्वायर क्या है? डी क्या डिनोट कर रहा है? डी डिनोट कर रहा है एक्स बार वन माइनस एक्स बार, मतलब पहले डेविएशन का, पहला सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन माइनस कंबाइंड मीन। और ये डी टू क्या डिनोट कर रहा है भैया? एक्स बार टू माइनस एक्स बार। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना बड़ा सवाल अब आने का चांस नहीं है, बट फिर भी करके रखो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएबिलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया, सीवी या सीओवी। डिस्पर्जन का कुछ रिलेशंस होते हैं, ये कब होते हैं? जब डेटा सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक क्या होता है भैया डेटा, वो मैं थोड़े देर में बता रहा हूं। कब होते हैं? जब डेटा सिमेट्रिक है। तो डेटा जब सिमेट्रिक होता है तो क्यू डी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एच डी, एम डी इज इक्वल टू 4/5 ऑफ एच डी। ये मैंने एक क्वेश्चन देखा है हमेशा आता है, तो आप प्लीज याद कर लीजिए, क्यू डी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एच डी एंड एम डी इज इक्वल टू 4/5 ऑफ एच डी, हमेशा आएगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आपको बहुत जरूरी है। जनरली ये डेटा कब है? सिमेट्रिक होता है तो। और ये लास्ट फिफ्थ नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स बार प्लस माइनस 3 एच डी टोटल एरिया कवर करता है 99.73%। अब बाकी का आपको याद रखने का दरकार नहीं है, बट मिनिमम ये एक याद रखिएगा। सबसे बेस्ट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब आते हैं अपने स्क्यूनेस के ऊपर, जो आपको आता ही नहीं था। होपफुली आधा घंटा में आपको बाकी का डिस्पर्जन समझ में आ गया हो। अब अपने चलते हैं स्क्यूनेस के ऊपर। क्या डिस्पर्जन क्लियर है एवरीबॉडी? तो चले स्क्यूनेस के ऊपर। आपके इंस्टीट्यूट के किताब से जितने बातें थे मैंने सब कवर करवा दी, जो काम काम के थे। शैल वी मूव ऑन टू स्क्यूनेस पार्ट? स्क्यूनेस समझने के लिए आपको इस वर्ड का पहले
इंटरप्रिटेशन लेना होगा, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब था लोकेशन, डिस्पर्जन का मतलब था आपका स्प्रेड, स्क्यूनस का मतलब होता है शेप, यानी शेप ऑफ द कर्व, कि वो कैसा शेप लेगा अगर उसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए तो. तो एक डेटा जनरली इस तरीके का शेप्स लेता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना. आपने चार्ट डायग्राम बनाया भैया, बिल्कुल ध्यान से देखना. क्रिंजल, दिस इज नॉट फॉर सीए, बट स्क्यूनेस जैसा टॉपिक अगर आप अभी सीख लो ना, बहुत काम आएगा, क्योंकि आपके बुक में कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है. जैसे आपने वो पढ़ा था ना, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, तो वो मेरा बच्चा है ऊपर, मैंने बोला था. और कौन सा वैल्यू कहाँ लाई करता है, तो थोड़ा सीख ही लो बढ़िया. अब देखो ग्राफ का शेप किस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का एकदम स्ट्रेट, इस तरीके का या इस तरीके का. मैंने चार डायग्राम बनाया, यानी ये क्या किया मैंने, मैंने यहां ऑब्जर्वेशन और यहां उनकी फ्रीक्वेंसीज नोट की. ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसीज. अगर ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी सेम है तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी एक ही ऑब्जर्वेशन है. इस डेटा को सिमेट्रिक डेटा बोलते हैं, जो एक ही बार ऑकर करे सारा डेटा, इस डेटा को सिमेट्रिक बोलते हैं. सिमेट्रिक का मतलब है अगर उसका बीच वाला वैल्यू से, मोड से, हाईएस्ट वैल्यू से, कहां से, मोड से आप एक लाइन बनाओ तो आपको दोनों तरफ सेम वैल्यू मिले. बट भैया अगर डेटा का फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसका क्या नहीं होगा, मोड ही नहीं होगा. तो अगर जिसका मोड नहीं है वो डेटा तो सिमेट्रिक है ही है. क्या बोला, जिसका मोड नहीं है उसका डेटा तो सिमेट्रिक है ही है, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो डेटा सिमेट्रिक है. अगर मोड है तो भी डेटा सिमेट्रिक हो सकता है. कैसे, अगर ग्राफ में जो मोड है हाईएस्ट वैल्यू से आप एकदम नीचे मोड निकाले और मोड के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के ऑब्जर्वेशन इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल है, यानी फोल्ड करे ऐसे तो एक के ऊपर एक आ जाए, तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं. और इसका शेप का वैल्यू यानी स्क्यूनेस का वैल्यू जीरो होता है, इसका स्क्यूनेस का वैल्यू जीरो होता है. क्योंकि जो मोड है वो ही मीडियन है, वो ही मीन है. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली कैसे भैया, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू यहां होकर कर रहा है. अच्छा, क्योंकि ये एकदम इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है तो ये बीच में ही मीडियन आएगा और मीन भी एकदम बीचों बीच आएगा, क्योंकि एकदम इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. तो इस डेटा को सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. और इसका स्क्यूनेस क्या होता है, जीरो. स्क्यूनेस क्या करता है, मेजर करता है नंबर्स में. और सिमेट्रिसिटी क्या बताता है, ग्राफिकली. ठीक है, तो स्क्यूनेस इसका कैलकुलेटिव वर्जन है, जो बताया कि अगर डेटा सिमेट्रिक है तो उसका स्क्यूनेस जीरो होता है. सिमेट्रिक डेटा दो कारण से हो सकते हैं, व्हेन देयर इज नो मोड, यानी सारे फ्रीक्वेंसीज इक्वल है, सारे ऑब्जर्वेशंस के फ्रीक्वेंसीज इक्वल है, या जब ऐसे ग्राफ बने एक बेल शेप्ड, तो उसको बोलते हैं अपने स्क्यूनेस इज जीरो. हम्प एकदम बीचों बीच है, इसको हम्प बोलते हैं. हम्प जैसे ऊंट पीप उसका होता है ना, क्या बोलते हैं, ऊंट का ऊपर जो रहता है हम्प, पीठ उसका. अब बात करते हैं इन दोनों डायग्राम का, बाकी दोनों का. बाकी दोनों डायग्राम में एक तरफ देखिए ये मोड है, ये मोड का नीचे मोड आएगा ऑब्वियसली, और ये हाईएस्ट वैल्यू है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये मोड हो गया. अब अगर मोड ये है भैया, एक से ज्यादा मोड भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है. जब एक और दो मोड हो वो ठीक है, बट मैं एक जनरल डायग्राम बना रहा हूं. सपोज ये मोड है, तो अब की बार मोड के लेफ्ट हैंड साइड कम वैल्यू है, राइट हैंड साइड ज्यादा वैल्यू.
राइट हैंड साइड ज्यादा वैल्यू है। तो इस ग्राफ को बुलाते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। क्या बुलाते हैं? पॉजिटिवली स्क्यूड, यदि हंप के राइट हैंड साइड में ज्यादा वैल्यू आते। तो मोड आया यहां। अब बताइए मीडियन तो हमेशा बीचों बीच होगा, तो मीडियन यहां ऑकर करेगा। और बताइए मीन कहां ऑकर करेगा? भैया मीन वहां जाता है जहां ज्यादा ऑब्जर्वेशंस रहते हैं। मतलब आपका सपोज मैं 10 पेपर लिया, 10 एग्जाम लिया, 10 एग्जाम में आपका 9 एग्जाम में 90 आया, एक एग्जाम में 10 आया, तो आपका जो एवरेज वैल्यू है वो किधर रहेगा? 90 के पास कि 10 के पास? 90 के पास। तो मीन कहां ऑकर करता है? जहां ज्यादा ऑब्जर्वेशन है। तो ज्यादा ऑब्जर्वेशन क्योंकि राइट हैंड साइड में और एकदम राइट हैंड साइड में है, तो वो थोड़ा मीडियन के इस तरफ होगा, यानी मीन यहां होगा। भैया डायग्राम थोड़ा सुंदर बना दीजिए ना। ओके ओके, तो अगर डायग्राम थोड़ा सुंदर बनाऊं तो ये डायग्राम में यहां मोड होगा, यहां कहीं मीडियन होगा और यहां कहीं मीन होगा अप्रोक्सीमेट। और वहीं मैं अगर डायग्राम बनाऊं दूसरा वाला जो कि किस तरीके से ऑकर करता है, इस तरीके से, तो ये वैल्यू मोड है, मीडियन यहां है और मीन यहां है। इस डायग्राम को पॉजिटिवली स्क्यूड बुलाते हैं, तो इस डायग्राम को नेगेटिवली स्क्यूड बुलाते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा का सबसे बड़ा वैल्यू मीन होता है, क्योंकि देखिए वो एकदम राइट साइड में आ रहा है, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मोड। बट नेगेटिवली स्क्यूड का एकदम ठीक उल्टा हो जाता है, मीन मीडियन मोड, और यहां मोड मीडियन मीन। तो अगर मैं रिलेशन स्टैब्लिश करूं तो कैन आई से फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। नेगेटिवली स्क्यूड डेटा का ठीक उल्टा, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। क्या रट नहीं रहे, समझ रहे हैं आप? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जा रहा है आपका। और अगर स्क्यूड है एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक या स्क्यूड डेटा, स्क्यूनेस जीरो है, तो अगर स्क्यूनेस जीरो है तो स्क्यूड डेटा नहीं, स्क्यूनेस जीरो, स्क्यूड डेटा तो ये और ये हुआ, स्क्यूनेस जीरो है, तो मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। या तो मोड होगा ही नहीं, या होगा तो इक्वल होगा। क्या ये तीनों बात आपको क्लियर हुआ? सिमेट्रिक डेटा का मीन मीडियन मोड सेम, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा का मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और नेगेटिवली स्क्यूड डेटा का मीन मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। यही बात ऊपर लिखा था जो अपने आगे बढ़ गए थे स्किप करके, जब अपने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे। क्या आपने सबने कॉपी कर लिया था बात, समझ लिया बात? बाय द वे ये बात आपके बुक में लिखा हुआ भी है भैया, लिखा हुआ है किताब में, बिल्कुल बिल्कुल, इस पन्ना में था ये, देखिए। अब आप इस पन्ने को पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये पन्ना मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, स्क्यूनेस से रिलेटेड था जो मैंने आपको बोला था, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, डन एंड डस्टेड। अगर डेटा मॉडरेटली स्क्यूड होता है तो ये रिलेशन होता है जो अपने ऑलरेडी पढ़े हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। और इसको दूसरा तरीके से यही लिख सकते हैं कि मोड जेड मतलब मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है? ये अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मॉडरेटली स्क्यूड डेटा है, यानी स्क्यूनेस जीरो भी नहीं है बट वेरी क्लोज टू स्क्यूनेस जीरो है, थोड़ा हल्का सा हम इस तरफ या इस तरफ, इन केस ऑफ सिमेट्रिक सीरीज ये पढ़ लिए, इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड ये पढ़ लिए, इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड ये पढ़ लिए।
बोलिए बोलिए बोलिए, स्क्यूनेस का एक मतलब समझ में आया क्या होता है एवरीबॉडी। अब बस इसको कैलकुलेट करने का कई तरीका होता है, कई फॉर्मूलाज डिराइव किए गए हैं शेप निकालने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कार्ल पियर्सन वाला, बट उससे पहले भी कई फॉर्मूला है जो अपने अगर थोड़ा बहुत याद कर ले तो बढ़िया। जैसे कि पहला फॉर्मूला ये है, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस निकालने का कई तरीका है, बहुत बहुत ईजी है। क्या मीन माइनस मोड से निकाल सकते हो, मीन माइनस मीडियन से निकाल सकते हो, मीडियन माइनस मोड से निकाल सकते हो। ये आएगा नहीं बट बता रहे हैं, कोई भी दो स्टैंडर्ड डेविएशन का सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी का आप माइनस करके स्क्यूनेस निकाल सकते हो। बट ध्यान रखना मीन माइनस मोड होगा, मोड माइनस मीन नहीं होगा, तब वो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा तो गलती हो जाएगा। मीन माइनस मोड, मीन माइनस मीडियन या मीडियन माइनस मोड, ठीक है। बट आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करने आएगा, जो आएगा वो रिलेटिव मेजर आएगा करने। रिलेटिव मेजर में चार फॉर्मूला है जो काम के हैं, पहला कार्ल पियर्सन, बाउली, केली और मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स। कार्ल पियर्सन बहुत अच्छा फॉर्मूला बोला, क्या बोला भैया, मीन माइनस मोड जो अपने ऊपर देखे ना, बट डिवाइडेड बाई सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि ये सब कोएफिशिएंट है, यानी आपका क्या फ्री है, यूनिट फ्री मेजर है, तो मीन माइनस मोड बाय एचडी करने से आपका यूनिट फ्री मेजर आ जाएगा। अच्छा, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्री मीन माइनस मीडियन भी, तो मैं थ्री मीन माइनस मीडियन बाय एचडी भी लिख सकता था, बस उन्होंने वही लिखा है एक और तरीके से, ठीक है। ये वाला वैल्यू कैन लाई बिटवीन -3 एंड +3 ओनली, मतलब जनरली वैल्यू +3 और -3 के बीच में लाई करता है, बट प्रैक्टिकली अपने देखते हैं -1 और +1 के बीच में ही आंसर आ जाता है, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली +-3 के बीच में, ठीक है भैया। और बाउली क्या बोला, बाउली बोला क्वार्टाइल्स को लेके फॉर्मूला डिराइव किया, क्या फॉर्मूला डिराइव किया भैया, Q3 +Q1 -2Q2 बाई Q3 -Q1, ठीक है। 2Q2 मतलब मीडियन भी होता है, तो Q2 या मीडियन भी बोल सकते हैं, तो Q3 +Q1 -2Q2 बाई Q3 -Q1। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाउली, बट फिर भी याद रखिएगा इसका वैल्यू +-1 के बीच में लाई करता। केली कोएफिशिएंट आपको क्या बोलते हैं, डेसाइल्स और परसेंटाइल लेके किया, कोई काम का नहीं है, मत पढ़िएगा, बस हो गया कंप्लीट। मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स आपके बुक में दिया ही नहीं, तो मैं क्या पढ़ाऊँ, वैसे वो यही होता है ऊपर जो कर लिए और कुछ नहीं करना। मेजर ऑफ मोमेंट्स बेस्ड ऑन में आप लिख लीजिए साइड में, अगर मेरे को लिखाना है तो xi माइनस एक्स बार का होल क्यूब बाई एन, ये होता है फॉर्मूला बेस्ड ऑन मोमेंट्स का, ठीक है लिख लीजिए, यानी थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट। क्या बोला, थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट, ये आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूं, मेरे को आता है इसीलिए। तो सेंट्रल मोमेंट क्यों हुआ, क्योंकि सेंट्रल मोमेंट आपको मालूम है क्या फॉर्मूला था, एक्स आई माइनस एक्स बार टू दी पार के बाई एन, तो के की जगह जब थ्री हो जाता है तो उसको थर्ड ऑर्डर बोलते हैं, तो थर्ड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट ही फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस का, ठीक है। दिस कंप्लीट स्क्यूनेस ऑल्सो, वी हैव कंप्लीटेड द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स। ध्यान है ना आपको, ये पार्ट हो गया, यानी 10 मार्क्स पढ़ लिए स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, 30 मार्क्स यानी 15 क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस, तो वी हैव कवर्ड ऑलरेडी 40 मार्क्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। मैथ्स में अपने एलजेब्रा और अर्थमेटिक में भी 40 कवर कर लिए, बस अब कोरिलेशन रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी बचा है 20 मार्क्स का, 10 ये 10 ये। पहले चलिए कुछ सम्स बनाते हैं जिससे आपका रिवीजन हो। वेलकम एवरीबॉडी,
रेडी एवरीबडी, पेन कॉपी बाहर, कैलकुलेटर बाहर। वेलकम टू प्रैक्टिस सेशन 3, एमसीक्यू सीएमए फाउंडेशन स्टेटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, द नेसेसरी डायग्राम टू कंपेयर अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स और बिटवीन अ पार्ट एंड द होल इज। The necessary diagram to compare among the various components or between a part and the whole is. एक part, एक component, whole के लिए सबसे बढ़िया diagram कौन सा है compare करने के लिए? बताइए। Bar diagram, step diagram, pie diagram, histogram। जल्द जल्द बताइए। अब आपका सेशन स्टार्ट है केबीसी टाइप का, देखते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चल रहा है, कौन सबसे पहले आंसर देता है। किंजल अजमेरा का सबसे पहला आंसर आया, निर्जा का आया। यूसुफ, लिपि, दीनू और बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। श्वेता आंसर कीजिए, अनवी, श्वेता, सबका आंसर सेम जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट, पाई डायग्राम। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी याद है फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज व्हाट बताइए? फ्रीक्वेंसी बाय क्लास विड्थ ऑफ द सेकेंड क्लास, यानी इसका। बट ध्यान दीजिए डेटा कंटिन्यूअस नहीं है, तो पहले डेटा को क्या बना दीजिए? कंटिन्यूअस, उससे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर आप 8 फ्रीक्वेंसी बाय 9 करते हैं या 8 बाई 10 करते हैं, दोनों में तो आंसर अलग आएगा ना। 9 कब होगा? जब आप कंटिन्यूअस ना बनाए। और 10 कब हो जाएगा? जब आप कंटिन्यूअस बना देंगे, क्योंकि 19 माइनस 10 9 होता है, बट 19.5 माइनस 9.5 10 होता है। तो आंसर इज 0.881.21। ओ सर, रिकॉर्डिंग किया था क्या सुबह? आंसर इज 0.8। वेरी गुड। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ स्टेटिस्टिकल डेटा which takes into account all the data, median, mean, mode, range। पहली बात, range तो central tendency है ही नहीं। median सारे observation को ध्यान रखता है? No। mode सारे observation को ध्यान रहता है? No। mean is the central tendency which takes into account all the data, तो answer is B, mean। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज 1, 2, 4। हार्मोनिक मीन इज एन, तीन नंबर है, बाई 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अब ये आप कैलकुलेटर में फटाफट निकाल सकते हैं। पहले डिनोमिनेटर निकाल के सबको मेमोरी में सेव कर दीजिए। 3/MRC इक्वल्स टू,
ये टूट गया क्या? हाँ तो वो एक तो पड़ा है क्या उसका, वो नहीं निकला क्या? वो तो खोल देंगे उससे, स्क्रू ड्राइवर से खोल। वो रहा स्क्रू ड्राइवर गिरा हुआ। फाइव सेवन, सेवन बाई फाइव, ट्वेल्व बाई सेवन। आंसर इज डी, 12/7। 1.714 को अगर आप फ्रैक्शन में बोले तो 12/7। वेरी गुड। फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओ माई गॉड, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके का डेटा है, ये मीडियन है, ये कुछ नया बात है, ध्यान से सुनिएगा। और फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 और Q3 होगा, यही Q2 है। आप बताइए अगर डिमेट्रिक सिमेट्रिक डेटा है तो ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विल बी सेम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विल बी सेम। तो अगर फर्स्ट क्वार्टाइल आपको 20 दिया है और सेकेंड क्वार्टाइल 24 दिया है तो थर्ड क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? 28। इधर चार का गैप है तो इधर भी अगेन चार का गैप, ठीक है। तो आंसर इज 28, 28, 26, 22, 32। आंसर इज 28। वेरी गुड, 28। दो ऑब्जर्वेशन का एच डी निकालना है, बड़ा फॉर्मूला मत अप्लाई कीजिएगा। दो ऑब्जर्वेशन का एच डी इज हाफ ऑफ द रेंज, तो 4-1/2 यानी 3/2 यानी 1.5, 1.5, 2, 3। आप बड़े तरीके से भी करेंगे तो सेम आंसर ही आएगा, बी 1.5। आपका कितना बजे से क्लास है सर? इतना लेट, इतना लेट? अरे वो जो पैसा आया था लिख लिया क्या? सीए इंटर का लड़की का भेजा था ना तुमने? फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे दिया, मीन दे दिया, मोड दे दिया, वेरियंस निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है? मीन माइनस मोड, अभी किए, बाय एच डी इज इक्वल्स टू 0.6। मीन दे दिया 172, मोड दे दिया 163। तो एच डी इज इक्वल्स टू, निकाल लीजिए, नाइन बाई 0.6 एच डी। अगर 15 आया तो वेरियंस हो गया 15 का स्क्वायर यानी 225। गलत, वेरियंस मांगा है, वैल्यू ऑफ वेरियंस, ठीक है, वेरियंस, हाँ एच डी मत बोलना, वेरिएंस हो गया 225। एच डी 15, वेरिएंस 225, ठीक है। द वर्टिकल एक्सिस ऑफ ओजाइव शोज, यहां जो वर्टिकल एक्सिस में जो लेते हैं उधर क्या करते हैं,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, क्लास बाउंड्री। आंसर इज ए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है। मैंने आपको बोला था यहां बनाते वक्त क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, याद रख लीजिए अगर नहीं भी पता था तो, क्योंकि ओजाइव्स के बारे में आपके बुक में था ही नहीं कुछ। द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टाइम इज कॉल्ड, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टाइम, टाइम के लिए याद है आपको क्या बोले थे, टाइम के लिए कौन सा था, ये था ज्योग्राफिकल, क्वालिटी वाइज ऑर्डिनल की टेम्पररी, बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से आंसर इज ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब सुनिए ना, देयर आर इन टोटल वेरियस वेरियस सम्स, इसमें पता है आपको टोटल कितना है, अपने अभी तक 10 तक पहुंचे, मेरे पास इस सारे चैप्टर से आपके लिए टोटल कितने क्वेश्चन है आपको अंदाजा है, मैं दिखाता हूं आपको, 50 तो ट्रू फॉल्स है और 48 नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी 48 प्लस 50 98 क्वेश्चन है, अभी तक अपने 10 किए हैं, तो काफी इजी इजी हैं जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ये वाला जो पीपीटी है ये सेंड कर देता हूं ग्रुप में, जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं उनके लिए, और हिबा ने भी क्योंकि क्लास रजिस्टर किया है तो हिबा आपको भी मिलेगा, तो मैं आपको ये सारे चैप्टर्स के पीपीटी भेज देता हूं, और ये पीपीटी आप सॉल्व कर दीजिए, जो डाउट्स आएगा ना या जो सम्स आपसे नहीं हुआ, और आंसर्स के लिए आंसर्स भी इसमें आप पीपीटी की तरह रन करेंगे तो आंसर्स भी आ जाएगा, और हो सकता है कुछ आंसर्स गलत हो, तो वो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास बताइएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा, क्या ये बेटर है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 100 तक जाने में आई थिंक इट विल कॉज 1.5 आवर्स मोर, तो इट्स बेटर कि आप अब खुद से ट्राई कर लो। क्या मैं आपको ये दे दूं घर पे करने, बोलिए आप तो कर दूंगा, होमवर्क दे दूं, और डिस्कशन नेक्स्ट क्लास रख ले पूरा, बट बनाओगे तो ही दूंगा, अगर आप ना बनाओ तो नहीं दूंगा। पहले बोलो बनाओगे, वादा करते हो होमवर्क करोगे, बाबू लोग 1.5 घंटा लगेगा आपको मैक्सिमम 100 क्वेश्चन करने में, इजी इजी एकदम, और जहां दिक्कत आए पहले इंस्टीट्यूट मैट थोड़ा और पढ़ लेना, अगर उसके बाद भी दिक्कत आए आपका आईसीएमआई का मैट में पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आया, आंसर्स गलत लगे, तो आपस में डिस्कस कर लेना, और उसके बाद मैं जब नेक्स्ट सेशन लूंगा ना परसों को, तब आपको ये सब डिस्कस करवा दूंगा जब मैं कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ाऊंगा। डन एवरीबॉडी, बोलिए वादा करते हो, मेरा पता है मकसद मेन था रिवाइज करवाना, वो तो हो गया अच्छे से, मस्त वाला रिवीजन कर लिया एकदम, जो सीएमए लोग डरते थे कि भैया हमारा बुक से भी बढ़ा दीजिए, मैंने सब पढ़ा दिया बुक से, अब आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी आपको सेग्रीगेट करके दे दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट के साइट पे अवेलेबल है, बट मैंने उसको इकट्ठा करके जो चैप्टर वाइज है उससे अरेंज करके आपको प्रेजेंट कर दिया, क्या आप इतना कर सकते हैं मेरे लिए, वादा रहा वादा, तो ये शीट मैं आपको भेज देता हूँ यूसुफ हिबा, मैं तेरे तुमको भी भेज दूंगा अलग से, तो तुम लोग ये शीट ले लो और पीपीटी 3 आराम से बना लो। नेक्स्ट क्लास परसों को डिस्कस करते हैं सब चीज, या कल ही रख लेंगे, क्योंकि कल शायद अविनाश सर का क्लास नहीं है क्योंकि उसका कंप्लीट हो गया, तो मैं कल भी रख सकता हूं, ओके मैं इंटीमेट कर दूंगा आपको रात तक या सुबह तक, आप लोग तो तैयारी रहना, बट आज कंप्लीट कर लेना, ये लेट मत करना, ओके बाय बाय।